हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में जेनियन के डस्टबिन में जिंगजी को उसकी और शिंगचैन की फोटो मिलती है। अब आगे जिंगजी शिंगचैन के घर आता है और कहता है कि वो कुछ कंफर्म करना चाहता है। उसे फोटो दिखा के कहता है कि क्या इस फोटो में वही है। शिंगचैन कहती है कि हाँ वही है, और ये भी पूछती है कि क्या उसे सब याद आ गया है। वो कहता है कि उसे याद आए ना आए क्या कोई फर्क पड़ता है, और कहता है कि इस फोटो पर वही डेट है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी। और फोटो में जो रिंग है वो रिंग भी उसके पास ही है। वो पूछता है कि शिंगचैन कब तक उससे झूठ बोलेगी। तो शिंगचैन कहती है कि ये सच है कि वो दोनों कपल्स थे, पर अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, इसीलिए पास्ट को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिंगजी कहता है कि वो 5 साल से उस रिंग की ओनर को ढूंढ रहा है, और अब वो कह रही है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि शिंगचैन उसे रोज़ देखती थी जबकि जिंगजी को कुछ भी याद नहीं था, फिर भी वो फिर से शिंगचैन से प्यार करने लगा। क्या उसे ये देखकर मजा आ रहा है? वो उससे पूछता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो शिंगचैन कहाँ थी। तो शिंगचैन कहती है कि वो इसलिए नहीं आई क्योंकि जिस दिन उसने उसे प्रपोज किया था उस दिन शिंगचैन ने ब्रेकअप कर लिया था। जिंगजी कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे भूली क्यों नहीं है। तो वो उससे कहती है कि पहला प्यार सबको याद रहता है, पर जिंगजी उसे भूल चुका है। जिंगजी ये सुनकर रिंग वहीं छोड़कर चला जाता है। शिंगचैन अपने पास्ट को याद करने लग जाती है और रोने लग जाती है, और वो उस रिंग को उसी बॉक्स में रख देती है जहाँ उसने जिंगजी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इधर जिंगजी बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है। जेनियन बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, कोई उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी युआन फैंग उसकी हेल्प कर देता है कैमरा लेने में। जेनियन युआन फैंग से पूछती है कि क्या उसने कभी प्यार किया है। युआन फैंग बोलता है कि हाँ किया है। तो जेनियन पूछती है कि क्या वो वापस उससे प्यार करती है। तो युआन फैंग कहता है हाँ, मगर उस तरह से नहीं, वो बस दोस्त समझती है। तो जेनियन कहती है कि उन दोनों की कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है। युआन फैंग कहता है कि वो दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि युआन फैंग उसकी तरह पैथेटिक स्टेट में नहीं बैठा हुआ है। तो जेनियन उसे बताती है कि वो जिंगजी को इतने सालों से प्यार करती है पर वो उससे प्यार नहीं करता। युआन फैंग पूछता है कि क्या उसका और जिंगजी का ब्रेकअप हो गया है। जेनियन कहती है कि ब्रेकअप तो तब होता जब उन लोगों ने कुछ स्टार्ट किया होता, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। शिंगचैन रोज़ की तरह ऑफिस आ जाती है पर जिंगजी ऑफिस नहीं आया होता है, तो शिंगचैन सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देती है। शिंगचैन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर जिंगजी के साइन कर देती हैं बिल्कुल उसी की तरह। जब जेनियन सो रही होती है तो उसकी मैनेजर उसे कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। जेनियन कहती है कि वो लास्ट नाइट कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जेनियन उसे अपना एड्रेस देती है ताकि वो उसे पिक कर सके। युआन फैंग उसे तंग करने के लिए कल रात की उसकी फ़ोटोज़ भेजता है और कहता है कि वो रिलैक्स रहे क्योंकि युआन फैंग ड्रंक वूमेन के साथ कुछ भी नहीं करता, उसने तो बस एविडेंस के लिए पिक क्लिक की थी ताकि वो बाद में डिनाई ना कर सके। जेनियन गुस्सा हो जाती है। शिंगचैन जिंगजी को कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो मैनेजर हुआंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसके फेयरवेल पार्टी की बात करने लगता है एम्प्लॉयज़ के साथ। सभी कहने लगते हैं कि अगर जिंगजी यहाँ होता तो शिंगचैन को अच्छे से फेयरवेल देता। तो सभी उससे पूछते हैं कि जिंगजी आज क्यों नहीं आया है। मैनेजर हुआंग कहता है कि मैन तभी खुद को छुपाता है जब या तो उसका बिजनेस फेल हो गया हो या फिर वो इमोशनली हर्ट हो। शिंगचैन को खुश करने के लिए वो कहता है कि आज कोई भी दुखी नहीं होगा ताकि शिंगचैन भी दुखी ना हो। सब फेयरवेल के लिए डिनर पर जाते हैं। शिंगचैन सबको अब तक उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। सभी दुखी हो जाते हैं। डायरेक्टर वांग उसे कहता है कि वो थी इसीलिए वो जिंगजी को हैंडल कर पाया था। तो शिंगचैन उसकी हेल्प करने के लिए जिंगजी की सारी आदतें रिकॉर्ड करके उसे दे देती है। शिंगचैन कहती है कि कोई भी अगला चीफ सेक्रेटरी बने वो चाहेगी कि वो जिंगजी की हेल्प करे। डायरेक्टर वांग कहते हैं कि कोई भी उसके जितना अच्छा काम नहीं कर सकता। तुंगशिंग कहती है कि सब नहीं चाहते कि शिंगचैन क्विट करे। शिंगचैन कहती है कि वो कुछ दिन रेस्ट करके नए इन्वायरमेंट में फिर से काम शुरू करना चाहती है। तभी शिंगचैन को कॉल आता है। सभी उससे पूछते हैं कि जिंगजी कहाँ है। सबको बताती है कि जिंगजी हॉस्पिटल में है और वो कल ऑफिस नहीं आएगा।
हॉस्पिटल का नाम सुनकर तोंगशिन भी उसके साथ चली जाती है। शिनचैन तोंगशिन को कहती है कि वो जिंक्सी को ना बताए कि वो हॉस्पिटल में आई थी, वरना वो दुखी हो जाएगा। शिनचैन जब वहाँ जाती है तो डॉक्टर जी उसे बताता है कि जिंक्सी ड्रंक होकर बीमार हो गया है और कहता है कि याददाश्त न होना उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी ड्रिंकिंग है। ये कहकर वो चला जाता है। एक फीमेल पेशेंट सीयू को तंग करने लगती है तो तोंगशिन उसे हेल्प करने के लिए कह देती है कि वो सीयू की गर्लफ्रेंड है, और ये कहकर वो सीयू को वहाँ से ले जाती है। सीयू बहुत शॉक हो जाता है। सीयू उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तोंगशिन कहती है कि ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए उसके पास एक गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है। सीयू कहता है कि उसका गर्लफ्रेंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तोंगशिन कहती है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो उसकी फ़ैन है। सीयू पूछता है कि वो उसकी फ़ैन क्यों है। तोंगशिन कहती है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और बताती है कि बचपन में वो बहुत बीमार रहती थी जिसके कारण उसे बार बार हॉस्पिटल आना जाना पड़ता था, पर डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे उससे जिसके कारण वो काफ़ी हर्ट हुई थी। पर सीयू ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीयू कहता है कि ये उसका जॉब है और वो किसी का फेवर नहीं लेना चाहता। तोंगशिन कहती है कि फेक गर्लफ्रेंड बनने के बदले बस वो उससे वीक में दो बार मिल ले। ये कहकर वो डील पक्की करके चली जाती है। जियू अब तक शॉक में ही होता है। शिनचैन जिंगजी को देखकर पास्ट याद कर रही होती है जहाँ वो दोनों हैप्पी होते हैं और अपने रिलेशनशिप में फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे होते हैं साथ में। उस समय शिनचैन अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिंगजी अमीर इंसान है। वो हैप्पी मोमेंट्स याद करके रोने लगती है और जिंगजी के फोरहेड को किस कर देती है। तभी जिंगजी को होश आने लगता है तो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उसे जेनियन आती हुई दिख जाती है। जेनियन शिनचैन को बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तो वो शिनचैन से काफ़ी इन्वियस थी क्योंकि वो पॉपुलर थी, पढ़ाई में अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, पर जेनियन उसके सामने सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर लगती थी। जेनियन उसे बताती है कि जब वो अमेरिका में थी तो जिंगजी उसे दोबारा मिला और उसे पता चला कि उसकी याददाश्त चली गई है, तो जेनियन शिनचैन की तरह बनकर जिंगजी के क्लोज जाने लगी और वो उसमें कामयाब भी हो गई। पर फिर भी जिंगजी उससे प्यार नहीं करता है। वो शिनचैन से पूछती है कि क्या वो अब भी जिंगजी से प्यार करती है। शिनचैन कहती है कि हाँ वो अब भी उससे प्यार करती है। तो वो पूछती है कि अगर वो अब भी प्यार करती है तो उसने उसे छोड़ा क्यों। शिनचैन कहती है कि वो उसे नहीं बता सकती, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और कहती है कि वो फिर से जिंगजी को छोड़कर जा रही है, पर इसकी वजह जेनियन बिल्कुल नहीं है, ये उसकी और जिंगजी की पर्सनल प्रॉब्लम है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में सब जियू को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं कि अब वो सिंगल नहीं है। इसीलिए जियू कहता है कि तोंगशिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जियू बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है इसीलिए तोंगशिन उसे बाय बोलने आती है हॉस्पिटल में। जिंगजी को होश आ जाता है पर वो वहाँ पर जेनियन को देखता है और वो उससे पूछता है कि क्या रात भर वो उसके साथ थी, तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ वही उसका ख्याल रख रही थी। तो जेनियन उससे फ़ोटो छुपाने की बात को लेके सॉरी कहती है और पूछती है कि क्या शिनचैन ही वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है। तभी वहाँ तोंगशिन आ जाती है और उसे अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए कहती है। जेनियन वहाँ से चली जाती है। जिंगजी तोंगशिन से पूछता है कि शिनचैन कहाँ है और वो क्या हॉस्पिटल में आई थी। तोंगशिन कहती है कि उन लोगों ने कल शिनचैन को फेयरवेल पार्टी दी थी, और शिनचैन के कहने पर तोंगशिन उससे झूठ बोल देती है कि शिनचैन हॉस्पिटल नहीं आई थी। जिंगजी गुस्सा होकर उसे जाने के लिए कह देता है। तोंगशिन वहाँ से चली जाती है। जिंगजी ऑफिस आ जाता है और शिनचैन के ना होने पर बहुत सारी बातों पे गुस्सा भी होने लग जाता है। जिंगजी जेनियन के साथ लंच करने जाता है। वहाँ काफ़ी लोग उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं। जेनियन पूछती है कि लोग उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो वो कहता है कि अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिनचैन अलग अलग कंपनी में जॉब के लिए रिज्यूमे सेंड कर रही होती है। तभी इंटरनेट पर जेनियन और जिंगजी की लंच की पिक्चर्स वायरल होने लगती हैं। शिनचैन ये देख लेती है। एक्चुअली में ये पिक्चर्स जिंगजी ने खुद ही वायरल करवाई थी ताकि वो शिनचैन को जेलस कर सके। और यहीं पे एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।